नवरात्रि में सिद्धपीठ मां जालपा का दरबार भी सज गया है और यहां भक्तों का अंबार लग रहा है। कहते हैं कि मां जालपा का दरबार 1100 वर्ष पुराना है और मां स्वयंभू रूप में विराजित है। यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और खास बात यह है कि इस मंदिर में आकर बड़े बड़े राजनेता भी हाजिरी लगाते हैं। मान्यता है कि मां जालपा के दरबार में भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर उसे सीधा करने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माँ जगदम्बा हमारी 11 किले हुए जब से चलाती आ रही है, हमारी परिवार पूजन करता आ रहा है। यहाँ पे हमारे ज्वालानाथ जी थे, उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके माँ प्रसन्न हुई, स्वयं यहीं से प्रकट हुई। वो कितने साल पुराना मंदिर? कम से कम 1100 वर्ष पुराना मंदिर है और ये निर्माण का कार्य जो है 95 में हुआ है। सभी भक्तों का सहयोग से। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर के आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, राजस्थान, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह से आते हैं यहाँ। और रोड निकल गया, रोड पे जैसे भी व्यक्ति निकल के जाएगा वो चल के माँ के दरबार में आता है। हम हर साल माता के दर पर आते हैं तो माता के नाम मात्र से ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। माता की प्रतिमा का इतना तेज है कि इनके दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। और मैं शोर डिफेंस एकेडमी से हूँ, फिजिकल कोच। मैं हर साल बच्चों को लेकर यहाँ आता हूँ।